हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका जो कैमरा है वो काम नहीं कर रहा तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम कैमरा ओपन कर लेते हैं। कैमरा सर्च करने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैमरा काम कर रहा है। अगर आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो जो लैपटॉप में होता है एक कैमरे का एक बटन होता है, वो आपके लैपटॉप में F5 हो सकता है, F9 हो सकता है, F8 हो सकता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये रॉन्ग हो गया, और इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो गया। इस तरीके से आप अपना जो कैमरा है वो ठीक कर सकते हैं। अगर जब भी आपके कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद आपको चेक करना है ये रहा हमारा कैमरा। अगर आपका इसमें कैमरा शो कर रहा है इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए अगर आपका जो कैमरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फिजिकल डैमेज है या कैमरा ख़राब हो गया है, वो हो सकता है। आपको कैमरे का जो है इसकी साइट से ओरिजिनल ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लेना है। और आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको ट्रूबल शूट का ऑप्शन ढूंढना है। आप सर्च भी कर सकते हैं ट्रूबल शूट, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्रूबल शूट का। आपको इस पर क्लिक करने के बाद अदर ट्रूबल शूट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा दिख जाएगा यहाँ पे अदर्स में, आपको सिंपली इसको रन कर देना है। रन करने के बाद इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कुछ स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और भी मैं लाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।